आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मुद्दे जो चल रहे हैं शहर में, कुछ मीडिया के जरिए से लोग चला रहे हैं, अपने मतलब कुछ पर्सनल जो है इंटरव्यू देके एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए, कुछ दिन से आवार साहब को लोगों ने घेरने की कोशिश की है, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग बातों पे राजनीति हो रही है। तो अगर मतलब यहाँ पर हम लोगों का आज खास करके राष्ट्रवादी पार्टी के हम लोग जो सब नगर सेवक हैं, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं। हम आवाज साहब के साथ, हम लोगों ने तो पूछा ही नहीं ना आप लोगों को नहीं जा रहे क्या? नहीं रफीक भाई, आपने नहीं पूछा है, जो माहौल बन रहा है कि 22 नगर सेवक जा रहे हैं, 24 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, ये दो पार्टी के लोग बना रहे ना वो माहौल। आपको ठीक है, बाला साहेब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप ही लोग होल्डिंग बाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो। वो तो राजनीति जो चल रही है वो एक अलग है, हम हमारी बात अपने आप लोगों के सामने रखने के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे आवाज साहब ने काम किए या नहीं किए, तो ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि मुमरा का जो रेती बंदर का रास्ता था पहले कैसा था, आज कैसा है। वो तो आवाज साहब के आने के पहले बना है। क्या मुमरा रेती बंदर का रास्ता? अच्छा, के भी तो रास्ते है ना, रेती बंदर में कहां जाते हैं? मैं घूमने जाने की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ से एंट्री मुमरा की नहीं से ना। रोड मेकिंग की आप बात करेंगे तो वो अवार साहब यहाँ पर आए भी नहीं थे, उससे पहले बनाए वो। कैसा वहाँ पर तो रास्ते में खड्डे थे, दुनिया भर का रास्ता खराब था, कैसा आने से पहले रास्ते बने? हाँ, उसके पहले ही बने, रेती बंदर का रोड, रेती बंदर का रोड। मैं बोल रही हूँ जो आने का पर्टिकुलर उस रोड पे बहस कर रही है, पर्टिकुलर निकालिए ना आप महासभा के विनर्स निकालिए, क्योंकि महासभा में हम लोग हमेशा बोलते हैं और बोलने के बाद ही बजट आया है। आपको मालूम है 2007 में मैं नगर सेवक बनी। हाँ, तो वो हम लोग बना है। आप 2007 में नगर सेविका बनी, मुमरा रेती बंदर का रोड कौन से साल में बना? अभी हाल ही में काम शुरू है उसका। वो एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं ना, एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं। 96 में पूरी महासभा उठकर आई थी, देवराम मोहित सदन नेता थे। देखिए रफीक भाई, आप भी यही रहते, हम भी यही रहते, हमने मुद्दों को महासभा में उठाया है। आप मिनट्स निकाल के देखिए, जब हम उस रास्ते से आते थे तो दुनिया भर के खड्डे रहते थे, पास आप आएंगे तो जो है रेलवे स्टेशन का हाल कितना खराब था, रेलवे स्टेशन बना, आप बताओ ना। तो वहीं से तो शुरुआत कर रही हूँ ना, मुमरा से ही, हमारे आने की एंट्री उधर से है मुमरा में। आपने रेती बंदर का रोड बोले के आवाज साहब के आने के बाद बना, मैंने आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए बोला कि वो रोड आवाज साहब के मुमरा विधान कलवा मुमरा विधानसभा के कभी पहले बना, लेकिन कांक्रीटीकरण और उसको कांक्रीटीकरण ही बोल रहा हूँ जो है की वो है अच्छे से बना। मैडम, मैं कांक्रीटीकरण ही बोल रहा हूँ, कांक्रीटीकरण अभी आपके हिसाब से वो है, मेरे हिसाब से जो है मैं बता रही हूँ। चौपाटी भी तो बनके तैयार होने वाली है। नहीं, चौपाटी बनके अभी तैयार नहीं है, उसका वर्क, उसका काम शुरू है, उसके ऊपर स्टे है, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी एम गेट भी आपने देखा होगा, पहले रेलवे स्टेशन कैसा था, आज कैसा है, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी उनका जो कहना है कि काम हुआ ही नहीं, ठीक है, हम नगर सेवक जब महासभा में बोलते हैं तो उसके बाद भी आगे जाके उस पर बजट मिलना भी जरूरी रहता है। तो बजट के लिए कहीं ना कहीं आवार साहब ने हमको पूरा सपोर्ट किया है। जब जंत्रे साहब पहले थे उस वक्त उन्होंने सिर्फ मंजूरी दी थी, उसके बाद अमल बजावनी जो हुई है आवार साहब के आने के बाद, उन्होंने जो है बड़ा बड़ा बजट का जो फंड था बड़ा फंड, वो जैसवा साहब के आने के बाद से उन्होंने लिया है वहाँ से। एक वक्त महापालिका एक वक्त में ऐसे हाल में आ गई थी, अधिकारियों का पेमेंट भी निकालने के लिए नहीं था। सड़क नाले गटर बनाना ही विकास है क्या? विकास की पूरी परिभाषा क्या है? What is the definition of development? देखिए, मैं जो मेरे हिसाब का डेवलपमेंट है मैं उसकी बात करूँ। डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होता है, मैं मेरे
में जो इलाके में जो मेरे नजर के सामने काम हुआ मैं उस पर ही बहस करूंगी ना। नहीं तो आप अपनी वाड़ी की बात कीजिए, फिर आप आवाज साहब की बात मत कीजिए। हम उनकी पार्टी के नगर से हो गए और उन्हीं के ऊपर अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो कंट्रोवर्सी हुई उस पे बोलो ना आप, सड़क नालों में क्यों बोल रही है? तो डेवलपमेंट किया ही नहीं है, कंट्रोवर्सी है और कंट्रोवर्सी है। आपके आवाज आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान में जो गुस्ताखी की उसकी कंट्रोवर्सी है। अरे बाबा साहब को लिया हाँ तो उस पर भी तो शानू भाई ने दिए ना खुलासा दिए थे। नहीं तो हमारी पार्टी ने मिजल दिया, मेरी तो सबने देना चाहिए। मैं बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था वो, उसमें कुछ जैसा मतलब उन्होंने आवाज साहब की तरफ से माफी मांगी जबकि जिसने कहा उसने माफी मांगनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने विकास के मुद्दों को लेकर जो मेरी तरफ से मेरी नजर में ऐसा है कि विकास में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि भाई आवाज साहब ने काम ही नहीं किया है। आवाज साहब ने काम नहीं किया है। अश्विन मैडम एक मिनट माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। आप बैठी है, रेहान भाई बैठे हैं, जफर भाई बैठे हैं, संगीता भी बैठी है, बाकी के सब लोग हैं। आप मुझे बताओ पिछले कई दिनों से जो भी महीना दो महीना जो भी चल रहा है उसमें विकास की कोई बात या उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी है क्या? नहीं है। कुछ लोग सुनो, कुछ लोग टोरेंट को लेके मुद्दा कर रहे हैं, आपको उस पर क्या बोलना है वो आप बोलो। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आवाज तो वो रिलीजियस लेवल की, जैसे आज शिवाजी महाराज के वक्तव्य की हुई है, ठीक है। अभी हम भी जानते हैं उन्होंने कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है शिवाजी महाराज को लेकर के, उन्होंने साफ सुथरा कहा है कि इतिहास में जो दो संदर्भ है उसमें से एक संदर्भ आप हटा लेंगे तो दूसरा संदर्भ ऐसे ही अर्थहीन हो जाता है। लॉजिकल बात है उनकी, उसको कोई भी मतलब अकल वाला आदमी जो है ना जो इतिहास जानता है महाराष्ट्र का इतिहास हिंदुस्तान का इतिहास वो नकारेगा नहीं उनकी बात को। लेकिन उसके पहले की जो कंट्रोवर्सी आप बोल रहे हैं तो वो औरंगजेब रहमतुल्लाह से जुड़ी हुई है, तो उसी पे आप बात करना चाह रही हैं क्या? नहीं नहीं मैं तो हाँ। जो काम हुआ है मैं काम के बारे में बोल रही हूं। आप काम पे तो हर महीने में आप लोग चार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अच्छा तो मैं करते हैं लेकिन अभी इस बात आज उम्मीद जगी थी कि शायद औरंगजेब रहमतुल्लाह के मुद्दे पे आप हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो एक बात सुनिए, अभी मुझे और पत्रकारों का पता नहीं, मुझे इंडिविजुअली बोला गया कि आवाज साहब आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हम उसके लिए क्यों नहीं आए आवाज साहब, इसका खुलासा आप लोग दो, आप उनके लोग हैं ना, आप उनके लोग हैं। नहीं ऐसा आवाज साहब के नाम पे मीडिया को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसने बोला ऐसा? वो बोलो आपके ऑफिस को पूछो ना, आपके ऑफिस वालों ने मुझे संगीता संगीता मुझे कॉल है ना। मैंने देखो मैंने स्पष्टीकरण क्या दिया, मुझे मेरा पता है, अन्य पत्रकारों का पता नहीं। मुझे ये बोला गया 5 बजे आवाज आपकी प्रेस कोई मसला नहीं, हमको आप 5 बजे आप लोगों का बड़प्पन है कि हमने जब भी बुलाया है सदस्य हमारे लिए आए भाभी, आप लोग एक्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और आप सक्रिय भी रहते हैं तो आप लोग बुलाएंगे तो आएंगे ना हम लोग, तो उसके लिए इस तरीके से हर बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं रफीक भाई गलतफहमी हो गई होगी, साफ नहीं आ पाई इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप लोग इस प्रेस भाभी हम लोग आए तो आपसे यही पूछे ना साहब आए ना, ठीक है चलिए अपन कंटिन्यू कीजिए। अच्छा आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, महानगर पालिका के काम छोड़कर माननीय जितेंद्र आवर साहब ने 2009 से क्या क्या काम किए जरा बताएंगे? महानगर पालिका के काम के अभी अपने हद में उमरा शहर में जो काम हुए हैं कोई छोटे छोटे काम तो हुए नहीं है। महानगर पालिका के देखिए महानगर पालिका के काम भी तो काम ही है ना, और लोगों की सहूलत के लिए किए जाने वाले काम को अगर आप गिनेंगे ही नहीं तो फिर कैसा होगा? पानी का जो लोग बोल रहे हैं अभी पानी के लिए कुछ किया नहीं, सम्प बनाए नहीं क्या? सम्प बनाने से पानी की राहत हुई नहीं क्या लोगों को? आज अलमास कॉलोनी का एरिया कितना प्रॉब्लम वहाँ पे होता था, अभी ये इमरान का इमरान है वहाँ पर भी जो है सम्प बनने के बाद आज ही मेरी इनसे बात हो गई साउंड के हिसाब से जो वाटर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने कहा कि पहले मुझे 220 कॉल आते थे एवरी डे पर डे, अभी सम पंप के बाद मुझे सिर्फ 20 कॉल आते हैं, वो 200 कॉल कम हो गए क्योंकि पानी की तकलीफ लोगों को इस तरह से उन्होंने समझाया कि काफी फर्क हो गया। इकबाल भाई का ये सवाल था महानगर पालिका के काम के बाद में दूसरे काम क्या हुए वो बताना। अरे लेकिन महानगर पालिका के काम जो जरूरत के सहूलत के लोगों के जरूरियात के जो काम है उसी को करना जरूरी है ना पहला,
वो काम होना, अभी कोविड पीरियड में, चलो कोविड का एक मिसाल ले लो, कोविड पीरियड में आवाज साहब ने लोगों के घर घर आना, मतलब वो जो खिचड़ी वगैरह जो भी बना, हाँ लोगों को खाने की वो सहूलत करने की कोशिश की है। उसके बाद में सबसे बड़ा जो है कोविड सेंटर हमारे यहाँ पे ही आया मुमरा में, कहाँ कहाँ से पेशेंट यहाँ पर आते थे। कोविड पीरियड में कब्रिस्तान जो है हमारा कौसा का कब्रिस्तान बंद हो गया था, अमृत नगर कब्रिस्तान बंद हो गया था, उस वक्त में कौन सा कब्रिस्तान काम आया। तो आप काम किए हुए बातों को कीजिए ना, किसने कहाँ से फंड लाया, किसने कौन सा काम किया, इधर का फंड आया कि नहीं, वहाँ का फंड आया, काम होना ये सबसे बड़ी जरूरत है। हमारी क्योंकि हम 2000 हमारी जानकारी के हिसाब से मुंबरा प्रभाग समिति से जितना टैक्स महानगर पालिका को जाता है उतना रिटर्न फंड भी नहीं आता। देखिए ये आपकी गलत फहमी है, अगर आप मिनट्स ओपन करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ से टैक्स कितना जाता है, वहाँ से फंड कितना है। देखा है, आपको अमाउंट बता सकती है कितना जाता है। देखिए अभी अमाउंट तो मैं एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हर महासभा में हम लोगों की चर्चा होती है, जिसपे फिर हम लोगों को ये बात सुननी पड़ती है कि आपके यहाँ से 60% कलेक्शन हुआ है, 45% कलेक्शन हुआ है। पहला जो शुरुआत का था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ से रिकवरी थोड़ी अच्छी हो रही, लेकिन पहले जो पुराना हमको बहुत कुछ सुनने मिलता था, और वो लोग जो है बजट देने के लिए भी बहुत सारी आनाकानी किया करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफी हद तक बजट भी लाया और काम भी किया। ये टोरेंट को लेके कुछ ये भी डेवलपमेंट का मुद्दा है क्या? क्या टोरेंट का? टोरेंट को लेके आप क्या कह रहे हैं? क्या टोरेंट के बारे में, मतलब क्या पूछना क्या चाहते हैं? असल में जफर भाई ठीक है, उन्होंने टोरेंट में बात की, देखिए बुरा मत मानिएगा, आप लोगों का स्टार्ट ही गलत है जी। आप लोग किस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? अवार साहब आने वाले थे, अचानक अगर नहीं आए हैं तो क्या मुद्दे पे? अवार साहब के आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपको मीडिया को एज ए एक्स रिप्रेजेंटेटिव क्या बात करनी है? आप लोगों ने मैडम कीजिए ना, जो बीच में आपने सवाल जवाब कर दिया थोड़ा सा नहीं। देखिए हमारी वो अभी अपने विषय पे आ ही रही थी कि हम किस विषय पर आपको बुलाए हैं और साहब ने हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिया। मैं चाहता हूँ 2 मिनट हम फिर स्टॉप हो जाते हैं, आप रिकलेक्ट कर ले फिर क्या मुद्दा है, उसी पर बात करते हैं, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं ना। नहीं आप मैडम बताइए, आप बोलिए पहले। जफर भाई ये माइक बंद कर दो, वो माइक पे से हर पूरा वजह बहुत सारी बातें। देखिए नगर सेवक की एक हद है, नगर सेवक से अगर हम बहुत ज्यादा तवक्कु रखेंगे जो हमारी हद से बाहर का काम है, वो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमारी बस में, जो महानगर पालिका के बस में था, हमने वो सारे काम करने की पूरी पूरी कोशिश की। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% काम को कर दिया, और हम 100% काम नहीं कर पाए, उसकी वजह यह थी कि 2 साल हमारा कोरोना काल में चला गया, जिसकी वजह से हमको बजट की बहुत परेशानी आई, बहुत दिक्कत आई। देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो था, कोरोना काल जब पूरे हिंदुस्तान में आपदा आई हुई थी, उस वक्त जो हमारे शहर में सबसे बड़ी जरूरत थी वो कोरोना हॉस्पिटल की जरूरत थी। वो हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने पूरी कोशिश करके यहाँ पर हॉस्पिटल को कायम किया, और मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मेरा कौशल की आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने उसमें हमारा भरपूर साथ दिया, और मीडिया के लोगों का भी भरपूर साथ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी कदम से कदम मिला करके हमारा साथ दिया। वो बहुत बड़ा काम था, पूरे महाराष्ट्र से कोई ऐसी जगह नहीं थी जब लोग कहीं पर हॉस्पिटल के, सारे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल बंद हो चुके थे, तो ये मुंबरा की सरजमीन थी और मुंबरा का ही ये कोविड हॉस्पिटल था, जिसमें तमाम लोगों ने आकर के अपना इलाज किया, और लोगों ने वहां पर आकर के बाकायदा वीडियो भी दिया कि हम कहां दुकान से आए, कोई किसी ने कहा कि हम कहीं से आए। दूसरा सबसे बड़ा इशू था कब्रिस्तान का। देखिए कब्रिस्तान का इशू को कुछ लोगों ने सेंसेटिव बनाया, उसको हम ठीक है, कुछ भी रहा होगा, जो भी मुद्दे है ठीक है, लेकिन अगर कोरोना काल लोगों ने सेंसिटिव बनाया कि आपने रिजर्वेशन घुमा करके अपनी जीत को पूरी करके सेंसिटिव बनाया। मैंने आपको मेरे बड़े भाई की आरटीआई है उसमें, मैं साफ बोल रहा हूँ, अब मेरी बात सुनो, मिस्टर जफर नोमानी प्लीज लिसन टू मी। आपने 12.5 एकड़ पे जो स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन था वो वहां से गायब करके वहां पर 5 एकड़ का कब्रिस्तान लाया। स्लॉटर हाउस शहर को रोजगार देने वाला था, वो कहां है बताओ अभी आप? नहीं पहले अभी सवाल का जवाब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अरे मेरी बात तो मुकम्मल, आपने स्लॉटर हाउस की जमीन पर आपने
शासन की मंजूरी के बगैर, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर आपने वहां पर कब्रिस्तान पारित करवाया, तो 12.5 एकड़ का शहर को रोजगार देने वाला स्लॉटर हाउस का है? अच्छा, सुनेंगे इसी का चाहिए, लेकिन बोला नहीं। अरे आप बात तो बोले दीजिए, आपके और आपके काम पे बात कर रहे हो ना, तो इसी पे बोलो। आप जब बोला ही नहीं देंगे तो कैसे बोलेगा कोई? आप बोलिए, बोलने दे दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूं तो आप बोलिए। कब्रिस्तान की मैंने बात की, मेरे बात कहा कि कब्रिस्तान के बाद क्या ये शहर में आज से स्लॉटर हाउस का मुद्दा बंद हो गया? क्या हम स्लॉटर हाउस के लिए पर्याप्त नहीं कर रहे? स्लॉटर हाउस अगर नहीं आएगा, मैं क्यों ऐसी जरूरत आई कि स्लॉटर हाउस हटा करके वहां कब्रिस्तान लाना पड़ा? क्यों जरूरत आई इसका खुलासा करें आप? शहर को कब्रिस्तान 2000 शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी, बहुत ही अहम जरूरत थी, क्योंकि दोनों कब्रिस्तान ने वोट लगा दिया था कि हम, वो भी सारी सियासत मालूम है, नमक कौन डलवा रहा था, क्या कर रहा था, सारी वीडियो सामने आ चुकी है। कब्रिस्तान के जो कब्रिस्तान के जिम्मेदार है वो जाने, हम ये जानते हैं कि शहर में एक कब्रिस्तान की जरूरत थी। आप भी जानते हैं, आप इस शहर के पुराने, हम आपको भी जानते हैं कि आप खुद जानते हैं कि यहाँ क्या मतलब है, तो कब्रिस्तान लाया गया। लेकिन नहीं, आपने आपने और आपकी पार्टी ने मुसलमानों का रोजगार छीनने की सुपारी बजाई। रफीक भाई, कैसे आप ये कह रहे हैं? हमने उस विषय को अगर बंद कर दिया हो, स्लॉटर हाउस के विषय को बंद कर दिया, उसको छोड़ दिया हो, तो आप बोलिए चुके हो? नहीं, नहीं, छोड़, क्यों छोड़ेंगे? पिछले एक साल में आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लॉटर हाउस में आपने क्या काम किया है? क्या आपने उधर उसका प्रोग्रेस बताया? एक साल में तो हम खुद ही बाहर है। जफर भाई, क्या हो गया? हमारे मार्च में कंप्लीट हो गया, आप बाहर लेके विकास कामों में पत्रकार परिषद दे रहे हैं। हमारे जो काम हो गए हम वो कह रहे, जो होने वाले हमने तो बात नहीं की है ना भाई। ठीक है, आप और आपकी पार्टी और आपके साथ बोलते सड़क चौड़ी हुई क्या नहीं हुई बोलते है ना जी। लोगों के कितने इस्तेमाल में बताओ, कितने शहर में पार्किंग जोन है बताओ, पूरा शहर नो पार्किंग के बोर्डों से आपकी मनपा ने पटा कर रखा, एक मिनट पाट कर रखा है, कहीं उसका डिवाइडेशन नहीं है। मनमानी लोग आपसे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए लोग प्राइवेट पे एंड पार्किंग चला रहे, कौन दे रहा है हमको? जो लोग शहर में गलत कर रहे हैं वो चाहे मेरा सगा भाई, आप ही क्या लोग कह रहा हूँ रफीक भाई, मेरा सगा भाई क्यों ना उस पर कार्रवाई की जाए? अगर हम उसके बीच में आते हैं तो संगठन की बात आ रही है, मैंने कहा कि पार्टी का तो मेंबर छोड़ दीजिए, मेरा सगा भाई अगर कहीं पर हॉकर की जगह पर कब्जा कर रहा है, हॉकर खुद अनलीगल कर रहा है, हॉकर की जगह में कब्जा कर रहा है, पार्किंग कर रहा है, मुझे पर कार्रवाई करिए। जफर भाई, आप सेंसिटिव है, रोड चौड़ा हुआ रफीक भाई, एक मिनट, रोड चौड़ा हुआ, रोड का इस्तेमाल कितना है बता दो? 22 करोड़ का एक्सटेंशन था वो, 22 करोड़ का एक्सटेंशन। इसके साथ में एक और बात आपको बोलता हूँ, मुंब्रा फीडर 1 का केबल, मुंब्रा फीडर 2 का केबल अंडरग्राउंड करने का काम वो 20 करोड़ का टेंडर कारपोरेशन ने दिया, वो केबल कहाँ है, कैसे अंडरग्राउंड हुआ, चल करके आप बताएंगे मुझे? अभी साथ भी साथ में चलते मैंने उससे कई बार बात की कि भाई आपने ये जो केबल कॉन्ट्रैक्ट का काम था आपने लिया था, काम क्यों बंद कर दिया? उसने कहा कि बिल हमको नहीं मिलना है, बिल की वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हमारा टेंडर 2-3 साल पहले हुआ था लेकिन हमको 25% मिला। बहुत सारे काम इस वजह से पेंडिंग है कि लोगों ने 3-3 साल पहले काम किया, उनको बिल नहीं हुई, और मैंने आपसे साफ लफ्जों में कहा कि 100% काम नहीं हुआ है, ये हम दुहाई दे ही नहीं सकते कि 100% काम हुआ है, हम कहाँ कह रहे हैं रफीक भाई, काम पेंडिंग है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? बहुत सारे हमने आपसे कह दिया कि कुछ कोरोना काल की वजह से, कुछ बजट की वजह से, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ गई। आप लोगों से हम ये बार बार अपील करते हैं कि आप लोग पहली बात को, आप इस शहर के हिस्सा रफीक भाई, हम आपको पत्रकार समझ के नहीं बुलाते, आपको हम अपना भाई समझ के बुलाते हैं, क्योंकि आप यहाँ के रहवासी है, मूल सुविधा क्या क्या चाहिए आप हमको बताइए, आप हमारा साथ, हमने पहले ही कहा कि हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे हर विषय पर, शहर के हर विषय में आपने हमारा साथ दिया। भाई कोविड के 2 साल, लॉकडाउन के 2 साल वो ऐसा पीरियड था कि तेरी मेरी उड़ियानी करने का मामला नहीं था, मीडिया को उतनी समझ है किस तरीके से आवाज आपने, आप लोगों ने उनके माता जो भी है, किचन कम्युनिटी, राशन देना, ये वो तमाम काम इंडिविजुअल कई लोगों ने काम किया, तो उस वक्त जो कोई इस तरीके की बात नहीं थी, वो पीरियड ही ऐसा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस मुश्किल वक्त का पूरी मानवता को सामना करना था, तो वो काम सभी ने किया साहब, आप कोविड से आगे बढ़िए। राजीव भाई, मैं खाली एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शहर में जो कब्रिस्तान की बात है, अगर कब्रिस्तान नहीं होती उस वक्त, नहीं क्यों कर जरूरत आई स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन कैंसिल करके, वहाँ आप बनपा के सदस्य पिछले 5 साल के थे 2017 से 22 तक, ये काफी पुरानी है आपकी। रेहान भाई
ऑफिशियल नगर सेवक नहीं है, लेकिन एक नगर सेवक का रोल उन्होंने अपने पूरे इलाके में निभाया है, सारे लोग जानते हैं। ऑफिशियली मैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसी तरीके से इमरान सुरमे का मामला है, ही इज नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। आप दो हैं तो मुझे एक वजह बता दो कि क्या ऐसी वजह थी कि स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन हटा करके कब्रिस्तान लाना वहां जरूरी था। देखिए जिस वक्त कब्रिस्तान का मामला आया था, मैम सॉरी आप बोलेंगे कि रफीक भाई आप फिर बहस कर रहे हैं, सिर्फ आप मेरे सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए, क्या जरूरत थी, किस वजह से, ऑथेंटिक मुझे बताइए। लेकिन जितनी मालूम है सिर्फ उतनी ही है। कमिश्नर साहब जमीन के मामले में कि जमीन का क्या क्या बता सकते थे। रफीक भाई बात सही है लेकिन आपकी, लेकिन अभी मुझे वजह जाननी है। आप मनपा में 5 साल थे, पिछले 5 साल आप मनपा में थे, मनपा में वो है पिछले 15 साल से। मुझे बताइए स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन रद्द करके वहाँ कब्रिस्तान जाने की वजह क्या थी। अश्विन मैडम बोल रही है लेकिन आप जो बोल रहे हैं ताली बजा के सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मैंने क्या बोली, मुझे इसकी पूरी बारीकी नहीं पता है, जितनी मालूम है मैं उतना नहीं बता रही। कि हम लोग जब कब्रिस्तान वाला मामला जब उठा था और जयसवाल साहब के सामने हम जब मीटिंग के लिए बैठे थे वहाँ पे, थाने के डॉन, अब वो मुझे नहीं मालूम आपके सामने उपाधि दी ना, तो उस वक्त में कहाँ दी जाएगी, कहाँ की जाएगी, तो उस वक्त ये बात हुई कि भाई मित्तल में जमीन है करके। और जब मित्तल की जमीन की बात आई तो मित्तल वाले को भी बुलाया गया, मित्तल वाले ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई मैं वो जमीन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में कई वक्त बीता, मुझे नहीं मालूम उस पीरियड में क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद भी जो है यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया गया। तो मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बता सकती और पूरा ये दावे के साथ नहीं बोल सकती कि भाई यही हुआ है या नहीं हुआ है। मित्तल को बुलाया गया था और मित्तल ने उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया था कि मेरी जमीन पे मैं सिलेक्टर हाउस बनाने नहीं दूंगा। और वही सुपारी थी जैन धर्म का था ना, वही सुपारी थी। देखो भाई सुपारी थी या नहीं तो मुझे नहीं मालूम है, मेरी जरूरत थी कब्रिस्तान, मैं उसी मुद्दे पे जो वहाँ पे मीटिंग में बैठी थी। बाकी मेरा कोई और नरोत्तम नगर, नरोत्तम नगर फार्मिंग सोसाइटी में कोई एक फुट की जमीन नहीं देता है, इतने अपने मुंबई को कितने साल से ज्यादा आप नगर सेविका है मित्तल फार्मिंग सोसाइटी कैसे कन्वर्टेड हुई हाउसिंग सोसाइटी में, उसके बोर्ड के अंदर जो है देखिए उनके भी घर के लोगों के नाम है। डीडीआर में आपने जाके कभी सोसाइटी के कामकाज का लेखा जोखा कभी निकाला इस शहर के जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते? उन्होंने लिख करके दिया कि हमें कन्वर्ट करो हाउसिंग में, तो मोमरा कौसा के लोक उपयोगी योजनाओं के लिए मनपा को जो जमीन लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्यों नहीं जानकारी आप नगर सेवकों ने निकाली है और क्यों मित्तल को इतने बड़े बड़े टीडीआर दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? 139 करोड़ का रोड है आपका मित्तल टू एमएमबीली का, नहीं है क्या जफर भाई? 139 करोड़ का रोड आप अपना देखो, 4 किलोमीटर का 26 करोड़ का पोखरण रोड नंबर 1 और 2 देखो, कंपेयर कीजिए। नहीं नहीं तो उनको बात पूरी करने दो ना, फिर मैं बोलूंगी, फिर तो उनको पहले कंटिन्यू करने दो फिर उसके बाद मैं बोलती ना। अभी जो जानकारी उन्होंने मांगी मैंने उतनी दी जो मुझे थी, इसके अलावा किसका क्या पर्सनल इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता है मैं उसमें जाती हूँ। शहर की जरूरत नहीं, आपका नहीं मित्तल का, मैं आपकी आपने क्या चाहिए था कब्रिस्तान करूंगी, अब किसका फायदा हुआ ने वो जमीने है मैडम। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के हेर फेर का पीआईएल का पिटिशनर मैं हूं, लेकिन सिर्फ कोरोना काल में वहां पर कब्रिस्तान आ गया, 1000 से ज्यादा तदफीन हो गई, मैंने मुद्दा छोड़ दिया। मैं मरूमिन के घर के लोगों के जज्बात से नहीं खिलवाड़ करना चाहता, इसलिए मैंने वो पीआईएल छोड़ दी।
वो पीआईएल मैंने छोड़ दी, किसी भी तरह का कोई फॉलोअप नहीं किया, लेकिन आज तक एक सवाल जो है वो कायम है कि सर्ट हाउस हटा करके कब्रिस्तान लाने की ऐसी क्या वजह थी। 169 एकड़ जमीन है मित्तल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, आप भी जानती है, आप भी जानती है। देखिए जो मुद्दे की बातें थी वो तो शुरुआत से ही हमने बताया कि भाई मेन गेट को देखो, कब्रिस्तान जो को रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर आज भी अभी वो भी अभी किसी ने स्टे लिया था, मैंने बीच में भी लेटर डाला था और उसके ऊपर जो है मुलाकात भी की थी, लेकिन किसी ने स्टे लिया है इसकी वजह से वो काम रुका पड़ा था। लेकिन मुमरा के साथ ऐसा क्यों होता है? लेकिन मुमरा के साथ क्यों होता है? तो अभी जो कर रहे हैं उसको अपने बोल रहे हो, हमें ब्लेम कर रहे हो। अभी रोड चौड़ी करने के लिए जो है मुमरा का गुलाब पार्क मार्केट कई बार हटाया गया और अवार्ड साहब के कहे अनुसार कि 2 एकड़ जमीन हमने हॉकर्स जोन बनाने के लिए दी है, लेकिन अभी तक हॉकर्स जोन जो है हॉकर्स छोड़ करके गए नहीं। अभी देखिए जब अभी वो भी मुद्दा आता है तो ऐसा है कि गरीब के पेट पे लात मारते हैं, गरीब को खाने नहीं दे रहे, गरीब खाता है तो वही बोल रहे ना, तो अभी हटाने के लिए भी वजह थी कि भाई लोगों को आने के लिए तकलीफ होती है, ट्रैफिक हो रही है, एम्बुलेंस में लोगों की डेथ हो रही थी, लेकिन जो चीज हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करने मांग रहे आप। अभी अभी आपने प्रभात समिति में एक मीटिंग हुई थी पिछले साल, शमीम भाई थे, जफर भाई भी थे, रेहान भाई भी थे, ट्रैफिक वार्डन हम बनाएंगे, फिर कई स्कूलों से लोग आएंगे, कहाँ है कोई एक भी नहीं नजर आ रहा है। आज तो ट्रैफिक सीनियर भी नहीं दिखता है मार्केट, अब तो ट्रैफिक वार्डन भी नहीं है, नया ट्रैफिक विभाग तो पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम सारे मेरे साथी भाई हजरत जो यहाँ पर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू था वो ये था कि आज जो शहर में बातें चल रही है, मैं खुदा पॉइंट बात करता हूँ कि अवार्ड साहब की मार्फत कोई विकास का काम नहीं हुआ, जो जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सारे जो नगर सेवक थे पुराने जो माजी आज हो गए, तो सबने विकास किया और माननीय मंत्री जी जो हमारे एक मंत्री थी उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। तो इसके मुताबिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जितने भी नगर सेवक थे, तकरीबन आप सारे सीनियर हजरात साफी हजरात यहाँ पर हैं, एक नगर सेवक की जो मियाद जो हमारे को एक उसके अंदर जो लिमिटाइजेशन के अंदर पैसे मिलते थे नगर सेवक निधि या उसके प्रभाग के लिए, तो 50 लाख से 70 लाख रुपये अप्रोक्स के आसपास होती है। उसके अंदर हमने और तमाम जितने हमारे आज नगर सेवक हैं, जितने आज हमारे लोग हैं, हर बार जब जरूरत पड़ी, हर बार यानी अगर मैं रशीद कंपाउंड की बात करता हूँ तो हर बार जैसा जसवाल साहब थे उनसे, उनके बाद में भी जो कमिश्नर साहब आए, हमने अवार्ड साहब को आग्रह करके वहाँ पर लेकर गए और वहाँ पर चाहे वो कोई भी बजट का हेड हो, चाहे यूटी का हेड था, चाहे एनडीपी का हेड था, अवार्ड साहब ने बोल करके वक्त की तकाजा है, क्योंकि आज डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था रशीद कंपाउंड, और आप जितने भी लोग हैं मैं आपसे भी सारे से इल्तिजा करता हूँ एक छोटी सी बात कि रशीद कंपाउंड का जितना भी विकास करना था, आज मैं जानता हूँ आपके मार्फत के बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुए, लेकिन मेरी कोशिश करके जितने भी काम थे मैंने रशीद कंपाउंड सुधारने की कोशिश किया और उसके अंदर निधि मुहैया कराने में डिफरेंट डिफरेंट बजट हेड से, INDP से, यूपी से अवार्ड साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमारे प्रभाग में, मैं अपने प्रभाग की बात कर रहा हूँ, अवार्ड साहब की एक जब अवार्ड साहब इसके अंदर जब कमिश्नर साहब से अवार्ड साहब ने 200 करोड़ का रिमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था उसके अंदर से भी फंड लाने का बहुत बड़ा काम अवार्ड साहब की मार्फत हुआ। आज रशीद कंपाउंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 से 7 लाइन डालने में कामयाब हो गए, लगभग आज ना के बराबर रशीद कंपाउंड की और मैं समझता हूँ कि दीगर इलाकों का पानी का प्रॉब्लम हल हुआ। उसी तरीके से संपेन पंप की जो बात आई भाई, संपेन पंप आज पास वक्त इमरान सोलन साहब के वार्ड के अंदर, शानू भाई के वार्ड में, अलमास कॉलोनी में, आज यहाँ तक के मेरे यहाँ पर भी अम्बेडकर पाड़ा में एक जगह है वहां पर भी संपेन पंप हर जगह 10 लाख से लेकर 7 लाख लीटर का ESR जो है एलिवेटेड रिजर्वायर वो और जो संपेन पंप तैयार है उसकी वजह से बहुत ही जितनी भी तारीख की जो हमारे पास पानी के प्रॉब्लम थे, क्योंकि पानी डिपॉजिट करने का हमारे पास कोई प्रयास नहीं था, पानी का फ्लो बराबर होता था लेकिन पानी की किल्लत की वजह से हम लोग पानी को मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर वो काम हुआ। तो ये जो बात थी ये बिल्कुल बेबुनियाद थी,
कि अवैध साहब ने अवैध साहब के मार्फत विकास का काम नहीं हुआ, तो जो जो काम हुए अभी जैसा कि हॉस्पिटल की बात है, उसके साथ में स्टेडियम की बात है, तो ये प्रपोजल तो काफी दिनों से पड़ा था, लेकिन आज उसको लेकर आना, इंप्लीमेंट करा के उसको पास करा के लेकर आना और उसको शुरू कराना, ये भी सारे काम व्हाट्सएप की मार्फत हुए। तो जितने भी सारे काम थे, और ये बात कि हर नगर सेवक ने अपना, ठीक है नगर सेवक ने, मैं इसके अंदर ये चीज आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि नगर सेवक ने काम नहीं किए, जो इससे पहले भी थे, आपसे पहले भी जो लोग थे, काम का स्केल था, काम की दर थी। आज हमारे कितने यहाँ पर सीनियर साथी मौजूद है, अगर आप लोगों के सामने अगर मैं एक चीज बोलूं कि आवाज साहब के आने के बाद का स्केल और उसके पहले का स्केल, तो शायद लोग एग्री करें कि उसके बाद में जो हमारा डेवलपमेंट काम तो हुआ मुंबरा के अंदर, वो काम बढ़कर हुआ है। तो लोगों को आज मौसू ये था बात करने का कि कुछ लोगों का बोलना था कि आवाज साहब ने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, जो काम किया सारे लोगों ने किया, ठीक है लोगों ने काम किया, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम थे उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था आवाज साहब का। हर जगह से जिस तरीके से जो हमको फंड मुहैया कराए, वो कॉरपोरेशन के ही फंड थे, वो दूसरे हेड्स के फंड थे। आज भी जो हमारे को फंड आते हैं, एक नगर सेवक को जो एक योजित, जो एक सेंक्शन नीति होती है प्रभाग सुधारना, और नगर सेवक उसकी एक मियाद होती है, लेकिन जब कभी हमको उसके अंदर ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड में हम कम पड़ रहे हैं, हमारे को वो नीति सफिशिएंट नहीं है, हमको और एडिशनल, तो हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और हर बार हमारे साथ में वार्ड साहब को बोलकर उनसे बात करके के उनसे एक राइट वे है, उस तरीके से बोलकर हमको निधि मुहैया कराई, चाहे फिर वो यूपी का बजट हो, चाहे एनडीपी का हो, नाले बनाने का हो, पानी का काम हो, हमको हर जगह हर तरीके से आवाज साहब ने उस बजट मुहैया कराने में मदद करी।